अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बनाना बिल्कुल आसान है। बिना दही, बिना नींबू, बिना टमाटर के बना के दिखाऊंगी। बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी रहेगी। इधर हमने कुकर चढ़ा दिया गैस पे। ये 1 किलो हमने बीफ का गोश्त ले लिया है। गोश्त को अच्छे से धो लिया है। अब सबसे पहले गोश्त को डाल देते हैं कुकर में। सारा गोश्त मैंने डाल दिया है। अब ये लहसुन है, 2-4 कलियां लहसुन के हैं, थोड़े से अदरक के टुकड़े हैं। ये 2 चम्मच मैंने सौंफ ले लिया है, ये भी डाल दिया है। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2-3 धागे जोतरी के हैं, 1 छोटी इलायची है, 2 से 3 तेज पत्ता है। ये लौंग है, साबुत काली मिर्च है। सारा चीज़ मैंने डाल दिया खड़े मसाले। देखिए गाइस, अब कटी हुई प्याज डाल देते हैं अखनी में। आधी प्याज डालूंगी, आधी हम बाद में यूज करेंगे, बाद में दिखाएंगे आपको। ये हमने बारीक काट लिया लंबाई में। इसे आधी मैंने डाल दिया, आधी रख देते हैं, इसको बाद में यूज करेंगे। अब नमक डाल देती हूँ। नमक हम 1.5 चम्मच डाल रहे हैं, इतना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अखनी में, क्योंकि बाद में भी नमक पड़ेगा चावल में। अब पानी डाल देना गोश्त में, पानी गोश्त के ऊपर तक डालना है। थोड़ा सा और डाल देती हूँ पानी। पानी मैंने डाल दिया है। अब कुकर गोश्त को अच्छे से मिला देते हैं। कुकर की लीड लगा दूंगी, इसमें 6 से 7 सीटी लगाऊंगी, क्योंकि ये बीफ का गोश्त है, गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सीटी आ रही है कुकर में, 6-7 सीटी लग जाए, उसके बाद में दिखाते हैं आपको। ये सारी गैस मैंने निकाल दिया, ढक्कन खोल दिया है। अखनी हमारी तैयार है बनके। आप देख सकते हो, गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत कसर बाकी है गलने का, वो बाद में भूनते भूनते गल जाएगा। चावल के साथ सीटी लगेगा ना, बस पूरा गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब सारी बोटियां हम छान लेते हैं छन्नी में। सारी बोटियां निकाल लेते हैं। देखिए, अखनी को बाद में छानेंगे, एक प्लेट में रख लेते हैं। ये गल गया है गोश्त हमारा, थोड़ा सा कसर बाकी है। अब अखनी वाला पानी जो बचा हुआ है, इसको छान लेते हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसको हम बाद में डालेंगे। अभी जो खड़े मसाले बचे हुए हैं छन्नी में, इसको फेंक देना है। इसे सारा फेंक देंगे जो छन्नी में मसाला हुआ है। कुकर मैंने फिर से चढ़ा दिया धो के। उसी कुकर में बना रही हूँ बिरयानी। रिफाइंड का तेल मैंने डाल दिया है 2 चम्मच के हिसाब से। अब सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ रिफाइंड में। प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। सारी प्याज मैंने डाल दिया, अब इसे अच्छे से मिला देते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है, वरना छोड़ दोगे तो प्याज जल जाएंगी। प्याज हमारी ब्राउन कलर की हो गई अच्छे से। अब आधी प्याज इसमें से हम निकाल लेते हैं, बाद में यूज करेंगे। एक जाली पे रख लेते हैं छन्नी में, अच्छे से कुरकुरी हो जाएगी थोड़ी सी। थोड़ा मैंने जीरा ले लिया 1 चम्मच, साबुत जीरा डाल दिया है। ये 1/2 चम्मच सौंफ है, सौंफ भी डाल दिया तेल में, प्याज में। 2 से 3 तेज पत्ता है, थोड़े साबुत गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जो मैंने डाला है। अब वो से डाल देते हैं इसमें। प्याज के साथ अच्छे से भून लेते हैं, क्योंकि हमने पहले नहीं भूना था, पहले इसे बॉईल कर लिया। अब 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये डाल दिया है। अब लहसुन अदरक को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गोश्त हमारा भुन गया है। अब ये हरी मिर्ची है, मैंने 8-10 हरी मिर्ची ले लिया था। इसको बीच से ऐसे लंबाई में फाड़ लिया है, डाल दिया है। गोश्त के साथ गल जाएंगे। ये पिसे हुए मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। ये हमारा होममेड गरम मसाला है, घर का बना हुआ, डाल दिया है सारा। नमक डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी डाला है, नमक अखनी में है, इसलिए 1 ही चम्मच डाला है। आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हो बाद में चेक करके। अब अच्छे से मिला देते हैं। बहुत टेस्टी बिरयानी बनके तैयार होगी गई। आप लोग एक बार जरूर बना के खाना। इसमें ना तो दही पड़ा है, ना टमाटर, ना नींबू। अब ये अखनी वाला पानी जो मैंने छान के रखा था, ये डाल देती हूँ सारा पानी। बाद में कम लगे तो और भी डाल देना ऊपर से सादा पानी। अब ये 3 हरी मिर्च ले लिया मैंने, साबुत डाल दिया है, इसको बीच से फाड़ा नहीं है। देखिए गाइस, हमारे पानी में उबाल आ गया अच्छे से अखनी में। अब ये चावल मैंने धो लिया है। ये 1.5 किलो चावल है, बासमती वाला कच्चा चावल है ये। सारा चावल डाल देते हैं। मैंने अच्छे से धो लिया, भिगा के नहीं रखा था, इसको तुरंत धो लिया है। सारा चावल मैंने डाल दिया, अच्छे से मिक्स करते हैं। नमक आप यहीं पर चेक कर सकते हो, नमक को पानी आपको कम लगे तो यहीं पर डाल सकते हो। अब कुकर की लीड लगा देते हैं। मैंने सारा चीज़ डाल दिया अच्छे से, नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब कुकर की लीड लगा दिया, इसमें 2 सीटी आने देते हैं। 2 सीटी आने के बाद दिखाते हैं आपको।
देखे गए मैंने कुकर की लीड निकाल दी थी, इसमें दो सीटी आ गई थी। ये ढक्कन मैंने खोल दिया, कितने खिले खिले चावल बने हैं माशाल्लाह, बहुत परफेक्ट बिरयानी बनके तैयार हुई है। थोड़ा सा हमने फूड कलर घोल लिया है पानी में गर्म पानी करके, अब ये डाल देती हूँ इसके ऊपर। आपको ना पसंद हो कलर तो ऐसे भी खा सकते हो, पर बिरयानी में थोड़ा कलर डाल दो तो अच्छी लगती है, तभी पता चलता है कि बिरयानी खा रहे हैं। अब ये सारा कलर मैंने डाल दिया है, अब ये तली हुई प्याज डाल देते हैं ऊपर से। बहुत टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई गई, पूरा घर महक रहा है बिरयानी से। अब कुकर का ढक्कन मैंने रख दिया है, पूरा लगाया नहीं है, इसे ऊपर से ढक दिया है। देखे गए बिरयानी हमारी तैयार हो गई है, मैंने इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। एक प्लेट में हम सर्व कर लेते हैं। बहुत अच्छी बिरयानी बनी माशाल्लाह, पूरा घर महक रहा है। ये बिल्कुल खिले खिले चावल हो जाएंगे, अभी ये गर्म है बहुत ज़्यादा, मैंने तुरंत खोल दिया आपको दिखाने के लिए। हल्की सी ठंडी होने के बाद एक एक चावल अलग हो जाएंगे माशाल्लाह। बहुत टेस्टी बिरयानी बनके तैयार हुई, आप लोग जरूर बना के खाना गए थे एक बार। इसमें ना तो दही डाला है, ना टमाटर डाला है, ना नींबू मैंने डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के दिखाया है। बिरयानी हमारी पसंद आई गई बिरयानी की रेसिपी, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।